सब मन के जोहार। मोर नाम है के दामियान सोरेन, खड़िया जैत के बिलोंग करन। और मैं एखन पर्यावरण उपरे एक दुई बात रौरे मनक सामने रखे जात हूँ। पर्यावरण कहले हमार चैरो पखारी जे गाछ वृक्ष नदी नाला जंगल जीव जंतु चारोई चिरगुन हवा पानी ये सब मन हमार पर्यावरण हेके। एखन पर्यावरण दूषित हो जाते कल कारखाना खदान के चलते सेकर लगिन हमरे के जंगल काटे के नखे गाछ मन के काटे के नखे बरों गाछ मन के जोगा का लगिन कि हर गाछ अपन जीवन काल में 2000 लीटर ऑक्सीजन हमार वायुमंडल में छोड़ेल। और जीवन के अंतिम घड़ी में ऑक्सीजन लगिन हमरे तारसील अस्पताल में रहले जे बेरा सीरियस हो जाइल ऑक्सीजन में आईसीयू में ऑक्सीजन दियाल जाइल और ऑक्सीजन के अभाव में है हमरे प्राण त्याग करीला से लगिन ऑक्सीजन गाछ से मिलेल। तो गाछ बगरा से बगरा लगाओ पर पुरखा परिया में जैसा गाछ घना जंगल रहे सब बटे और उस समय परिवेश बिल्कुल ठंडा रहे। एखन भयंकर झोड़ तूफान और अचानक मौसम परिवर्तन मन हुआ थे वर्षा कमती हुआ थे बहुत भयंकर हो जाते नदी बढ़ी हुआ थे ये सब यह ग्लोबल वार्मिंग चलते हैं हेके। सेकर लगिन रौरे मन के मैं अनुरोध करात हूँ रौरे मन अपन जीवन काल में जहाँ मार्चा ठावा है वहाँ जे कोनो गाछ लगाओ और धरती के ठंडा रखो। जैसन पुरखा मन के समय में बहुत सारे गाछ रहे और शांत परिवेश रहे। और गोटे चीज हुए जोड़े खोजात हों ईटा के घर वो कारखाना से बनल सीमेंट ईटा के घर बना ले घर में गर्मी रहल सेकर लगिन हमरे के आर्टिफिशियल फैन कूलर एसी के दरकार होल। माटी के घर बनाओ माटी के घर कूलनेस लाने और माने वो खाने कूल सब बड़ा कूल वातावरण रखेल। तो ईटा सीमेंट ईटा के घर नहीं बनाए के माटी के घर बनाओ बनाती हले ठंडा परिवेश में रहे पड़ब और रौरेमन खर्चा से भी बचा एसी कूलर फैन इत्यादि दरकार नहीं होता। इतने कह के मोर वक्तव्य धन ऐसे आखिरी करा था सो मन के धन्यवाद।